गुरुवार को नटेरन थाना अंतर्गत बैठक रखी गई, जिसमें विभिन्न गांव से ग्रामीण जन एकत्रित हुए। बैठक में चीट फंड कंपनी और सरकारी जमीन अतिक्रमण के विरुद्ध चल रहे फ्रॉड के मामलों से थाना प्रभारी नितिन पटेल ने ग्रामीणों को अवगत कराते हुए बताया कि फोन आने पर किसी तरह का ओटीपी या एटीएम की जानकारी या अपने अकाउंट की डिटेल किसी को फोन पर ना दे, क्योंकि चीट फंड कंपनियां इसी का फायदा उठाकर आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेती है। साथ ही थाना प्रभारी ने सभी ग्रामीणों को संदेश दिया और भविष्य में सचेत रहने की सलाह दी और कहा कि चीट फंड कंपनियों से जो पीड़ित हैं, हर मंगलवार को जनसुनवाई रखी जाएगी। जो कि चीट फंड कंपनियों से प्रताड़ित हो चुके हैं वो आकर जनसुनवाई में अपना आवेदन दे सकते हैं। कुछ समय ऐसा होता है जिस समय वो पूरा जैसे रहता है ना, सैलरी पैकेज होता है, वो महीने के एंड में ख़त्म हो जाता है। काम आम जन का जो सैलरी पर डिपेंड है, किसानों का भी जब फसल आती है तो पैसा होता है, तो उसी समय फर्जी और धोखाधड़ी करने वाली चिटफंड कंपनियां वो एक्टिव होती हैं और वो 5 का 10 करने के नाम पर कि 10,000 का निवेश करिए, 20,000 रुपये आप ले जाइए 4 महीने बाद 6 महीने बाद, और फिर 4-6 महीने बाद कुछ नहीं होता, वो आके समेट के ले आती है। कुल मिला के आपका जो मूल्यवान पैसा है, जो आपका पसीने की और आपकी गाड़ी कमाई है, वो कुछ ही दिनों में कुछ ही महीनों में निगल आके वो धोखे से आपकी ले आती, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करती। तो ये मैसेज क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जितना ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, कोई हमारे संपर्क में हो, कोई भोपाल में हो, हालांकि सभी जगह मध्य प्रदेश में एक साथ चल रहा है, लेकिन विशेषकर छोटा जिला विदिशा जहाँ पे संकोच करती है आम जनता, हाँ, कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, कई लोग आते नहीं कि मैंने तो 20 से 30 करने के नाम पे निवेश किया था, तो संकोच करते हैं, हेसिटेशन होता है, तो वो खुल के सामने आए, ऐसी शिकायत सामने आए, ऐसी शिकायतों पे प्रकरण पंजीबद्ध हो। और आजकल भारत से बाहर चिटफंड कंपनियों का वो बंद कर दिया है, उनका पासपोर्ट हो या उनका जो भी उनके जो डॉक्यूमेंट है वो तब तक के नहीं जाने दिया जाता जब तक कि वो NOC ही ले, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं लेते पूरे कस्टमर से, जितने भी इन्वेस्टर हैं उनसे वो नहीं मिल जाता है, तब तक के वो दिल्ली में ही वो सभी चिटफंड कंपनियां एक ही जगह रहती है, अंडर वेरिफिकेशन रहती है, अंडर इंक्वायरी रहती है। तो जब आम जन की शिकायत आएगी, प्रकरण पंजीबद्ध होंगे, कौन सी कंपनी थी, कौन सा सर्टिफिकेट दिया, क्योंकि वो बॉन्ड तो देंगे आपको, भाई ये 10,000 का आपने निवेश कर दिया, ये रखिए और इतने महीने बाद 6 महीने बाद आइए, तो वो 30,000 आपको रिफंड मिलेगा। तो वो बॉन्ड होता है, कंपनी का नाम है, उसकी सील है, साइन है, उनके अधिकारियों का नाम है, फिर ऑफिस का सेटअप है, कार्यालय बना हुआ है उसका, तो कहीं ना कहीं वो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी और वो हमारे पास ऐसे एविडेंस, फिजिकल एविडेंस रहते हैं जिसके बेस पर उनके खिलाफ मुकदमा पंजीबद्ध हो सकता है, या एक्चुअली कंपाउंडेबल क्राइम है, कंपनी भारत देश में ही है, कहीं गई नहीं है, तो वो जितना पैसा आपका लिया है वो रिफंड करें, तो उनके खिलाफ ये हर साल एक साल में सितंबर अक्टूबर में ये अभियान चला। किसानों का भी जब फसल आती है तब पैसा होता है, तो उसी समय फर्जी और धोखाधड़ी करने वाली चिटफंड कंपनियां वो एक्टिव होती हैं और वो 5 का 10 करने के नाम पे कि 10,000 का निवेश करिए, 20,000 रुपये आप ले जाइए 4 महीने बाद 6 महीने बाद, और फिर 4-6 महीने बाद कुछ नहीं होता, वो आके समेट के ले आते हैं। कुल मिला के आपका जो मूल्यवान पैसा है, जो आपका पसीने की और आपकी गाड़ी कमाई है, तो ये मैसेज क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जितना ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, कोई हमारे संपर्क में हो, कोई भोपाल में हो, हालांकि सभी जगह मध्य प्रदेश में एक साथ चल रहा है, लेकिन विशेषकर छोटा जिला विदिशा जहाँ पे संकोच करती है आम जनता, हाँ, कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, कई लोग आते नहीं कि मैंने तो 20 से 30 करने के नाम पर निवेश किया था, तो संकोच करते हैं, हेसिटेशन होता है, तो वो खुल के सामने आए, ऐसी शिकायत सामने आए, ऐसी शिकायतों पर प्रकरण। शिवराज रघुवंशी की रिपोर्ट।